नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने आज समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि नीरज शेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद आज दोपहर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नीरज शेखर का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनका स्वागत किया है। हमारी संवाददाता नेहा ने नीरज शेखर से खास बातचीत की, आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी रही जो आप भारतीय जनता पार्टी में? मैं फिर बार बार वही, मैं मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैंने सही साफ साफ बता दिया है कि समाजवादी पार्टी में हमेशा मेरा सम्मान हुआ। नेताजी ने मेरे हारने के बाद भी मुझे राज्यसभा दी, ये इतना बड़ा सम्मान बहुत कम लोग देते हैं। ये उनका जो पिताजी के साथ संबंध थे, जो मेरे को उन्होंने देखा, जो क्षमता देखी मेरे अंदर, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद बनाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे लग रहा था कि पार्टी उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह उसे करना चाहिए था। जिन विचारधाराओं के साथ आदरणीय नेताजी चले थे, तो मुझे लगा कि अब मेरे अभी समय आ गया है कि किसी और जगह जाए जहाँ राष्ट्रहित की बात हो, जहाँ समाज की बात हो, जहाँ समाज के पिछड़े लोगों की बात हो। तो मैंने तय किया कि लोगों ने कहा जनादेश भी है और प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।